जैसे कि आप मतलब देख पा रहे हो चाबी ऑन करने पे हाँ सर, क्लस्टर लाइट चल रहा है और सेल मारने पे हाँ सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसको पहले तो फ्यूज हम चेक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसका फ्यूज, सबसे पहले फ्यूज से रिलेटेड चेक करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। इसका जो मेन प्रॉब्लम है फ्यूल मोटर नहीं चल रहा है और इसी की वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज हम विदाउट स्कैनर से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना स्कैनर से। तो आप मेरे देख सकते हो अभी मल्टीमीटर है और इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया और इसके बाद हम फ्यूज को उसको चेक करेंगे। आप अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप फ्यूज को निकाल निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो क्यों मल्टीमीटर का जो नॉक दोनों आपस में अटैच करने पे बीप का आवाज़ आता है। तो उस स्टेप से हमें पता चलता है कि ये फ्यूज सही है, मतलब वहाँ तक जो इसका सर्किट है वो सही है। तो जो जो यहाँ पे फ्यूज था वो फ्यूज जो मेन फ्यूज था उसको हम चेक कर लें यहाँ सही है। और अब आपको आगे दिखाता हूँ जहाँ पे बैटरी रहता है उसका फ्यूज, वहाँ पे भी फ्यूज रहता है। तो आइए वहाँ पे दिखाते आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्यूज है, फ्यूज मैंने कवर खोला था और इसका बैटरी का जो टर्मिनल है उसमें थोड़ा सा डस्ट वगैरह जंग पकड़ लिया था। तो उसको गर्म पानी करके वो बैटरी में लगा दिया क्योंकि देसी जुगाड़ देसी। तो आप देख पा रहे हो ये फ्यूल पंप 15 एम्पियर का जो फ्यूज है और आप देख पा रहे हो ये फ्यूज इसी का है। आप देख पा रहे हो फ्यूल मोटर, तो फ्यूज तो सही है। आप देख पा रहे हो फ्यूज एकदम सही है, इधर फ्यूज सही है। तो अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड का जो इसका बक्सा टिप के काउंटर है चाबी ऑन करो ना जी। अभी देख पा रहे हो कि चाबी ऑन करने पे भी इसका मोटर का जो फ्यूल लाइन है वो नहीं चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड का कंडेंसर, लेफ्ट साइड जो बक्सा है जिसमें हम कुछ सामान वगैरह रखते हैं उसको हम खोलेंगे स्क्रू से, पेचकस से। और उसके बाद दो स्क्रू आता है उसको हम खोलेंगे और उसके बाद वहाँ पे ही रिले रहता है सबसे ज़्यादा, मतलब जितने भी रिले हैं सब यहीं पे रहते हैं। सॉरी यार थोड़ा सा हम दिखा नहीं पाए कि कौन सा स्क्रू खोलना है। बस तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो स्क्रू था मैंने खोल लिया और अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा भी है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो भी लिखा है फीड पंप रिले, आप देख पा रहे फीड पंप रिले और इसी का फ्यूल मोटर का है। तो इस रिले को हम यहाँ से इसको ऊपर की ओर खींच लेंगे, निकाल देंगे और इसको हम क्या करेंगे एक बार डायरेक्ट करेंगे किसी वायर से और इस टेप के हम चला चेक करेंगे। अगर यहाँ तक यहाँ से चल रहा है तो इसका जो लैन है यहाँ से अगर चलेगा तो समझेंगे सही है, बाकी इधर इसका कुछ सेंसर से रिलेटेड है। तो हम थोड़ा सा टुकड़ा वायर लेंगे छोटा सा वायर और आपस में अटैच करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने वायर लिया है और यहाँ पे और यहाँ से अटैच मैंने किया और अभी आप देख पा रहे हो कि इसका फ्यूल मोटर चल रहा है। और बड़ी जोर से बाजू लग ले अब, पहले खाली इंजन में एकटी खाली। और इसका जो रिले है पुराना वाले जो रिले है वो रिले लगाने पे नहीं चलते। तो एक बार क्या करेंगे फिर से आपको दिखाता हूँ मैं वायर लगा के और बाहर की ओर आपको सुनाता हूँ फिल्टर के पास। अभी आप देख पा रहे होंगे तो अभी आप आवाज़ सुन सकते हो फ्यूल मोटर का और यहाँ तक भी आप देख पा रहे हो फिल्टर तक प्रेशर में आ रहा है फ्यूल। तो अब क्या करेंगे, सबसे अगर अपने से नहीं चला तो उसका जो लास्ट होता है वो सेंसर, दो मेन सेंसर रहता है, एक उसका क्रैंक सेंसर और दूसरा कैम। तो हम सबसे पहले ज़्यादातर चेक करेंगे क्रैंक सेंसर जो कि गियर बक्सा में लगा रहता है। उसको हम 10 mm का गोटी या तो फिर रिंग पाने से हम यूज कर उसको खोल लेंगे
और उसके बाद हम देखेंगे सेंसर, क्योंकि ज़्यादातर अगर फ्यूल मोटर नहीं चलता है तो उसका भी रीज़न होता है। तो अभी किस टाइप का आया समझे, या तो फिर चलते आप देख पा रहे होंगे इसका जो क्रैंक सेंसर है तो यही सेंसर ख़राब है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से फट गया। ये सेंसर ख़राब होने पे दो तीन तरह का प्रॉब्लम होता है, या तो एक स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्ट नहीं होगा तो उसका रीज़न होता है फ्यूल पम्प नहीं चलता है। अगर फ्यूल पम्प चलता है तभी भी और इंजेक्टर में जो पल्स आता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। तो कभी भी अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा है और यहाँ तक फ्यूज वगैरह सही है, तो इस सेंसर को आप खोल के एक बार चेक कर ले। आप देख पा रहे हो ये क्रैंक सेंसर। इस कभी कभी क्या होता है कि फ्यूल मोटर चलता है और तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, और हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसके पास स्कैनर नहीं है वो थोड़ा, और इसी की वजह से हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूल मोटर सही है तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो एक बार हमें इसको चेक कर लेना चाहिए। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैम सेंसर है, और ज़्यादातर ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये क्रैंक सेंसर ही भी ख़राब होता है क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह चला जाता है, उसी की वजह से फट जाता है। तो अभी क्या करेंगे आप देख पा रहे होंगे, अभी हम इसी डेल्फी से लेंगे जो कि महिंद्रा का ओरिजिनल। तो अभी आप देख पा रहे हो ये है डेल्फी का, जो कि हम दिखाते हैं। तो अभी यहाँ तो हम मैंने लगा लिया, आप देख पा रहे हो कि कंप्लेंट बैठा दिया। और इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका बैटरी भी डाउन हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फ मार दिया था इन लोग, तो हम थोड़ा सा बैटरी लो हो गया, तो हम थोड़ा सा पेट्रोल लगा देते हैं और उसके बाद अगर स्टार्ट हो जाता है तभी ठीक है। स्टार्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, और अब बैटरी को जुगाड़ करना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी गैरेज पे नहीं है, किसी दूसरे जगह गाड़ी खड़ा है, मतलब ब्रेक डाउन ही हम लोग आए हैं। तो किसी तरह बैटरी जुगाड़ तो हो गया, आप देख पा रहे हो बैटरी लगा दी मैंने, और अब गाड़ी को आप देख पा रहे हो चाबी ऑन करने पर इसका फ्यूल मोटर भी चल रहा है। देखिए गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गया। तो अगर आपका फ्यूल मोटर नहीं चल रहा है, या तो फिर फ्यूल मोटर चल रहा है इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा है, तो उस क्रैंक सेंसर को एक बार जरूर चेक कीजिए अगर फ्यूज वगैरह सही है तो।